दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हमने डे वन में कांगड़ा जी, चामुंडा जी, बगलामुखी माता के दर्शन किए थे। फिर हमने ज्वाला जी जाकर नाइट स्टे की थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम महक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशु ट्रेवल एक्सप्रेस। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। माता जी, तो अब हम तीसरे शक्तिपीठ ज्वाला माई के दर्शन करने आए हैं। इसके ये ज्वाला जी का मुख्य द्वार है और इसके बिल्कुल सामने ही आपको बस स्टैंड मिलेगा और इसके बिल्कुल पास में ही पार्किंग की सुविधा है कार के लिए, जहाँ पे आपको सिर्फ 40 रुपए देने पड़ेंगे पार्किंग के लिए। माता रानी का भी मंदिर है, ये कितना चलते कहाँ पर? आधा रास्ता हम आगे हैं, आधा रास्ता और जाना है। टोटल कितना पड़ जाता है? 400 मीटर। ये ज्वाला जी की मार्केट है। इस मार्केट में आप माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान, माता रानी का प्रसाद और बच्चों के लिए खिलौने खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ दर्शन बहुत अच्छे हुए, हम अभी दर्शन करके ही आ रहे हैं। मुझे यहाँ आए को 20 साल हो गए और यहाँ पे इतना कुछ बदल गया, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। यहाँ पर मुख्य बात और अनोखी बात इस मंदिर की ये है कि पर किसी पिंडी के दर्शन नहीं होते, पृथ्वी के गर्भ से निकल रहे ज्वाला जी के दर्शन होते हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे और ये मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ है। भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के 51 हिस्से किए थे। जो अंग जहाँ पर गिरा वह शक्तिपीठ बनता गया। तो जिस जगह पर ये मंदिर स्थापित है, उस जगह पर माता सती की जीव गिरी थी। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, माता रानी यहाँ पर हर रात्रि आकर विश्राम करती हैं और सुबह उठकर झूठे दातुन और मिश्री खड़ी होती है। यह वही सवामन सोने का छतर है जो अकबर ने घमंड में आकर माता रानी को चढ़ाया, लेकिन माता रानी ने उसे कबूल नहीं किया और उसे ऐसे धातु में परिवर्तित कर दिया जो आज तक साइंटिस्ट प्रूव नहीं कर पाए ये किस धातु का बना हुआ है। साइंटिस्ट इस छतर में से छोटे टुकड़े लेकर गए हैं एज एन एविडेंस, ताकि वो प्रूफ कर सकें कि ये किस धातु का बना हुआ है। इस वजह से आपको इस छतर में छोटे छोटे होल्स देखने को मिलेंगे। ये वही नदी का पानी है जिसका रुख अकबर ने ज्वाला माई की ओर कर दिया था, लेकिन फिर भी ज्वाला माई शांत नहीं हुई थी। तब जाकर अकबर को यकीन हुआ और उसने सवा मन सोने का छत्र माता रानी पर चढ़ाया। यहाँ पे फतेह ढाबा है, हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आए हैं। सुबह से बहुत अच्छी लग रही है, पेट में चुभ रही है, तो चलिए नाश्ता करके आते हैं।
चिंतपुर्णी मंदिर हिमाचल के ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चिंतपुर्णी धाम को छिन्न मस्तिका धाम भी कहा जाता है। चिंतपुर्णी मंदिर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको बस स्टैंड के पास जो पार्किंग है वहां पर आपको अपनी कार पार्क करनी पड़ेगी। बस स्टैंड से माता रानी का भवन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर पहुंचने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। आप बाय टैक्सी भी जा सकते हैं और चल के भी जा सकते हैं। अगर आप चल के जाना चाहते हैं तो आपको आधा रास्ता प्लेन मिलेगा और आधा रास्ता आपको स्टेयर्स मिलेंगी। अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आपको 50 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। हम सब मंदिर के द्वार खुलने का वेट कर रहे थे क्योंकि 12 बजे से 12:30 बजे तक माता रानी को भोग लगाया जा रहा था। जिस जगह पर मंदिर है वहां पर माता सती के चरण शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। चिंतपुर्णी मंदिर के चारों ओर भगवान शंकर जी के मंदिर हैं। मंदिर के साथ वट का वृक्ष है जहां श्रद्धालु कच्ची मूली अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बांधते हैं।